नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। जिला गाजीपुर में जिलाधिकारी ओम प्रकाश राय ने हाईस्कूल के अंग्रेजी के पेपर में कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को इस औचक निरीक्षण में कहीं नकल होते हुए तो नहीं मिला, लेकिन एक नया खेल जरूर सामने आया जब जिलाधिकारी ने जखनिया क्षेत्र के मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, राम सिन्ही दास खटिया बाबा इंटर कॉलेज झोटारी समेत कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इनमें मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में 33 और राम सिन्ही दास खटिया बाबा इंटर कॉलेज से 13 छात्र ऐसे मिले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, यहाँ तक के उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई इतने दूर स्थान जगह से वो यहाँ परीक्षा देने क्यों आए हैं, तो इनका कहना था कि परीक्षा के लिए ही यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन था और हमसे कहा गया था कि यहाँ पर नकल कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इन छात्रों का कहना था कि हमसे कहा गया था कि नकल कराई जाएगी और नकल नहीं कराई जा रही है, इसलिए हम लोग परीक्षा छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी दोषियों पर और साथ ही विद्यालयों पर FIR दर्ज कराई जाएगी और विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। फिलहाल सभी 46 छात्रों को दुल्लापुर थाने में हिरासत में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। विद्यालय में कहीं पे नकल होता नहीं पाएगा, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। ये जरूर एक स्थिति वहाँ पे निकल के आई है कि बहुत सारे बच्चे जो दूरस्थ जनपदों के हैं वो यहाँ पे अप्लाई किए थे। उनसे हमने बात किया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि साहब हम लोग यहाँ पे केवल उन विद्यालयों में रजिस्टर मात्र हैं, लेकिन हमें रेगुलर बता करके यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित कराया गया है और हमें यही कहा गया था कि यहाँ पे नकल होती है, इसलिए जो है हमें यहाँ एडमिशन लें और यहाँ नकल नहीं हो रही, हम लोग परीक्षा छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने यह भी कहा। हमने उस पूरे तंत्र को अपने रडार पे लिया है। ऐसे विद्यालय जो बच्चों का केवल रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं आते हैं, फिर भी उनको रेगुलर बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और जो लोग ऐसे हैं मीडिएटर जो अन्य जनपदों से बच्चों को प्रलोभन दे करके कि नकल करा के वहाँ पास करा देंगे, उनसे पैसा लेते हैं, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं हम। इसमें जो विद्यालय हैं जो रजिस्ट्रेशन करके रेगुलर छात्र दिखा रहे हैं जबकि वो विद्यालय में रेगुलर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। उनके जो जो उनको मान्यता मिली है उसके भी प्रत्याहरण की कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें इस गैंग में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है सर, एक पूरा कॉकस काम कर रहा है इसके पीछे? एक लंबे समय से इस तरह के कॉकस बनाए गए थे, यद्यपि इस बार वो कॉकस सफल नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे, लगभग 27,500 बच्चे परीक्षा छोड़ के जा चुके हैं अब तक और आगे के दिनों में भी जाएंगे, लेकिन ये तो एक प्रक्रिया हो कि बच्चे नकल नहीं हो रहा है इसलिए विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो इन बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जो लोग इसमें पैसा बनाने के उद्यम में लगे हुए उनके खिलाफ उनको चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करने की कोशिश होगी।